फल फूलों से युक्त वन उपवन तेरे अंदर भरा हुआ है, खनिजों का कितना व्यापक धन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्तु बांट रही है धन संपत्ति सुख और शांति, सुख और शांति। मातृभूमि शरशत बांट प्रणाम। आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे सहपाठी, मेरा नाम पूजा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मौली जागरा चंडीगढ़ की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने धरती की रक्षा के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। धरती हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ वस्तुएं हमें उपहार के रूप में मिली है। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, धरती, नदियाँ, पहाड़ और धरती के नीचे छिपे खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान किए हैं। मनुष्य मेहनत करके धन कमा सकता है, परंतु प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के पश्चात भी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा मिली सभी वस्तुएं सीमित हैं। आज दुख इस बात का है कि विवेकशीलता आदि होते हुए भी हम मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह समय दूर नहीं जब मनुष्य इन संसाधनों के खोने के बाद पछताएगा। आज बढ़ती जनसंख्या की आवास की समस्या को हल करने के लिए हरे भरे वृक्ष काटकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनके कारण वैश्विक उष्मीकरण की समस्या पूरे विश्व के सामने भयंकर रूप में खड़ी है और वातावरण का संतुलन बिगड़ गया है। खनिज संपदा का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण दुर्लभ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। प्रकृति की सुंदरता जिन्हें देखकर कवियों का मन झूम उठता था और प्रकृति उनकी कविताओं की प्रेरणा बन जाती थी, आज वह सब कुछ उजड़ रहा है, जिससे प्रकृति संबंधी कविताओं को लिखने के लिए कवियों को प्रेरणा नहीं मिल रही है। आज हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रकृति ने धरोहर के रूप में जो भी वस्तुएं हमें दी हैं, हमें उनका संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और उनके स्थान पर अन्य विकल्प ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अतः पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आज पृथ्वी पर अनेकों समस्याएं हैं, जैसे जहरीला वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों का उन्मूलन, ऐसे पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं हैं। बहुत सरल तरीकों को अपनाकर हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के पास जल शुद्धिकरण घर स्थापित करने चाहिए, जिनसे नदियों का गंदा जल साफ हो सके और प्रदूषण ना फैले। वर्षा का जल एकत्रित करना चाहिए, जिससे भौम जल स्तर बढ़े, और जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारे स्वास्थ्य बनी रहेगी और प्रदूषण भी कम होगा। खेतों में रासायनिक पदार्थों की जगह हमें प्राकृतिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1970 से हर वर्ष मनाए जाने वाले दिवस पृथ्वी दिवस पर हमें अनेक प्रतियोगिता और कार्यक्रम आयोजित कराने चाहिए। अपने वर्णों पर विराम लगाते हुए संक्षेप में मैं कहना चाहती हूँ कि हमें 3R तरीकों अर्थात रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। स्नेहा, क्लास 9, सेम स्कूल। एंड देन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 41, प्लीज बी रेडी। आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्नेहा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने धरती माँ की रक्षा पर अपने विचार प्रकट करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन वाला मात्र ज्ञात ग्रह है पृथ्वी, हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। पृथ्वी हमारी नहीं है, लेकिन हम तो पृथ्वी के हैं। पृथ्वी ने हमें जल, स्थल, वायु, सूर्य, चांद, धरती, हवा, नदियाँ, वह हरे भरे वन और धरती के नीचे छुपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारे सहायता के लिए प्रदान किए हैं। यही प्रकृति का तरीका है कि प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुएं सीमित होती हैं। आज दुख इस बात का है कि विवेकशील प्राणी अपने स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। हम जो कुछ भी प्रकृति से लेते हैं, हमें उसे वापस कर देना चाहिए। यही प्रकृति का तरीका है कि आज बढ़ती जनसंख्या के आवास की समस्या को हल करने के लिए मनुष्य हरे भरे जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं
और वृक्षों के कटने के कारण वातावरण का संतुलन बिगड़ गया है और इससे ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व पर भयंकर रूप से समस्या बन गई है। हमें पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें धरती माँ की रक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे आने की भविष्य की पीढ़ियाँ सुरक्षित वातावरण में रह सके। हम धरती माँ की रक्षा पेड़ों, प्राकृतिक संसाधन, बिजली आदि की रक्षा करके कर सकते हैं। हमें स्थानीय क्षेत्रों पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को त्रिकोणाकार रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस का पालन करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें बिना जरूरत के बिजली के एयर कंडीशनर और एयर थिएटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर्यावरण प्रोजेक्टर के अंतर्गत हर साल 1970 से हर साल मनाया जाने वाला दिवस पृथ्वी दिवस है। इस प्रोजेक्टर का उद्देश्य स्वस्थ निवासियों का उद्देश्य है और ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए हमें अधिक से अधिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वनीकरण पुनः वन उत्पादक कागजों अन्य प्राकृतिक पदार्थों का पुनः प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक पदार्थों को जिसमें खनिज, कोयला, तेल, लोहा आदि आते हैं बढ़ावा देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए क्योंकि स्वस्थ पृथ्वी स्वस्थ निवासियों के बराबर है। इसी को ध्यान में रखकर हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हरी 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 घास से खिलती है खेतों, हरी हरी जो घास खिलती है, फसलें लहराती हैं, फूलों में रंग भरते हैं, पेड़ों को पाल पोस कर ऊंचा करती, पत्ते पत्ते में रहे जिंदा हरापन और खाद बनाती है, इसलिए धरती माता कहलाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट नवनीत कौर, क्लास 10, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 41A, चंडीगढ़। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं धरती माँ की रक्षा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। एक कवि ने लिखा है, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से प्यारी धरती माँ हमारी है। क्या आज ये सच है कि हम इस स्वर्ग को नर्क नहीं बना रहे? आज तो किस बात का है कि विवेकशील प्राणी होते हुए भी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण धरती माँ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। वह समय दूर नहीं जब मनुष्य इन संसाधनों को खोने के बाद पछताएगा। निरंतर बढ़ते तापमान, सुनामी, बाढ़ और सूखे आदि खतरों से पृथ्वी को बचाना अनिवार्य हो गया है। हमारी धरती माँ की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी धरती ने हमें जीने के लिए हर चीज दी है और इसके बदले में हमसे कुछ नहीं लिया, किंतु मानव धरती के इस उपकार को भूल गया है। वह इससे खिलवाड़ कर रहा है तथा इसके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे हमारी धरती माँ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमें पृथ्वी पर स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए इसकी रक्षा करनी ही होगी ताकि हमारे भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ वातावरण में रह सके। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। एक मनुष्य होने के नाते हमें प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाली सभी संभव प्रयासों का पालन करना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। 3R नियम, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हमारी अनमोल धरती को बचाने के लिए बहुत ही प्रभावी साबित हो सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है, भारत को समृद्ध बनाएंगे, वसुंधरा को बचाएंगे। हम पृथ्वी की रक्षा पेड़ों, प्राकृतिक वनस्पति, पानी, प्राकृतिक संसाधन, बिजली आदि की रक्षा करके कर सकते हैं। युवाओं में पृथ्वी बचाओ से संबंधित जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वी हमारा घर है, इसका संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेदारी है। कविता की इन पंक्तियों द्वारा मैं अपने विचारों का यही समापन करती हूँ। धरती बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। धन्यवाद। नेहा, क्लास 8, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 41। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, पॉकेट नंबर 1, मनी माजरा, प्लीज बी रेडी। यहाँ आए सारे मेहमानों ने मेरे तरफ
सत श्री अकाल। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। साडे गुरुआ ने धरती नू माता दा मान बख्शिया है कि उत्थे ही सारे जीव पैदा हुंदे हन, इत्थो ही खा पी के विकास करते हैं, अंत इत्थो ही समा जाते हैं। पृथ्वी की ही हालत देख के सानू तरस आंदा है कि मनुखा ने इस देवानता नू अखो ओले करके अपने विनाश नू सदा लिता है। असि जिन्ना ही पृथ्वी तो दूर रहेंगे उन्ना ही अपने विनाश नू नेड़े ले आंदे हैं। कोई समय सी जदो कुदरत तो हर चीज शुद्ध प्राप्त हुंदी सी, इत्थे हवा पानी खान पीन दी चीजां शुद्ध अते पवित्र हुंदी सी। मनुखा ने अपने विकास लई हर चीजा नू प्रदूषित कर दिता है। पृथ्वी सौर मंडल तो सब तो खूबसूरत ग्रह है। यह कोई ग्रह है जिथे जीवन है। 500 ईस्वी पूर्वा तक मनुखा अते पृथ्वी दा चंगा संबंध है। वातावरण नू संभाल कर रखना चाहिदा है। हुण अज दे समय विच बहुत अधिक लोड है। पृथ्वी दी रक्षा तां ही मनुखा नू बचा सकते हां। पृथ्वी दी संभाल करनी चाहिदी है। ਕੋਲੇ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। नेक्स्ट महक क्लास 10 कर्मल मॉडल हाई स्कूल पॉकेट नंबर 1 मनीमाजरा। नमस्कार अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है धरती माता को बचाना। क्या आपको पता है कि क्यों हम धरती माता के बारे में इतना बोल रहे हैं कि इन्हें बचाएं? ये धरती हमें क्या कभी आपने सोचा है कि धरती को क्या हुआ है और धरती के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं? हम जिस जमीन पर रहते हैं कुदरत का अभिन्न हिस्सा पृथ्वी ग्रह है। अमान्य पृथ्वी और औद्योगिकरण के चलते कई वातावरण में बदलाव आए और ये वातावरण में बदलाव हानिकारक नहीं मानव जात के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम
आने वाली पीढ़ियों के लिए हम खतरा मोड़ रहे हैं, फिर भी पर मानव जाति के लिए रहना पड़कार रूप होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए हानिकारक साबित हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है इससे संबंधित विभिन्न समस्याएं जैसे प्रदूषित होता पर्यावरण, जीवों व वनस्पति के प्रजातियों का विलुप्त होना, उपजाऊ जमीन की कमी होना आदि सब संकट से यह पता लग रहा है कि विनाश के बादल पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं। आज पृथ्वी की जीवनदायी स्वरूप की जिम्मेदारी मानव के कंधों पर ही है। ऐसे में मानव को ऐसे व्यक्ति या ऐसे उसके विचारों का अनुसरण करना होगा जो व्यक्ति प्रकृति को जानना समझता हो और उसे अच्छी तरह से जानता हो। जैसे दुनिया में प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें से भारतीय लोग भी हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आपटे का नाम भी शामिल है। आज मानव की आधी आधी भौतिक सुविधाएं जुटाकर आरामदायक और वैभवशाली जिंदगी को बिताने की इच्छा रखते हैं, पर हमें उनको समझाना चाहिए कि हमें इन इच्छाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हर प्रत्येक वर्ष एक नया पौधा लगाएं और उसकी पालन पोषण करें कि आगे जाकर वो बड़ा हो सके। इसी तरह हमें धरती माता का भी पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जागृति, क्लास 10, सेम स्कूल। एंड नेक्स्ट कर्मन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहलाना, प्लीज बी रेडी। सभी अतिथिगण और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है धरती, बिना कुछ मांगे कितना कुछ दे जाती है धरती। दिन रात दयनीय हवा चलाती है धरती, मुफ्त में ढेरों सारे साधन उपलब्ध करवाती है धरती। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि धरती ने हमें विरासत में इतना कुछ दिया है, तो हम मनुष्य अपनी धरती को क्या दे रहे हैं? कभी सोचा इस बारे में नहीं, क्यों? कोई बता सकता है? नहीं, लेकिन हमें अपनी धरती को हर एक समस्या से बचाना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। हमारी धरती पर हर दिन पर दिन बढ़ रहे अत्याचार, या कह लो यही हमारी बुद्धिहीनता है कि हम अपनी धरती को इतना प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि धरती ही ऐसा एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और ऐसा ग्रह कोई भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर जीवन संभव हो। लेकिन फिर भी हम लोग इस धरती को क्यों गंदा कर रहे हैं? कभी सोचा नहीं है हमने इस बारे में? नहीं, क्यों? चलो इस बात को तो आगे बढ़ाते हैं। और कुछ पंक्तियाँ मैं इस प्रकार भी कहना चाहूँगी कि कहीं रेगिस्तान तो कहीं बर्फ बिछा रखी है इसने, कहीं पर्वत खड़े हैं तो कहीं नदियां बहा रखी हैं इसने, कहीं फूलों की वादियां हैं तो कहीं हरियाली बिछा रखी है इसने, कहीं गहरी खाई खोदे हैं तो कहीं बंजर जमीन बना रखी है। मानव इसका उपयोग करे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मानव इसकी सीमाओं को तोड़े यह इसे मंजूर नहीं। विकास के दौर में धरती को नजरअंदाज करना
बुद्धिमानी की बात नहीं, ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये कोई खेल कहानी नहीं। मानव धरती के अनुसार चले, यही मानव के हित में है। धरती का करे सब सम्मान, यही मानव के हित में है। धन्यवाद। संजना, क्लास 10, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहलाना। सतिकार योग, मेहमानगण, अध्यापक साहिबान, अते मेरे प्यारे साथियों, आज मैं संजना, सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अज मैं आपको धरती बचाओ के बारे में अपने विचार पेश करना चाहती हाँ कर जा रही हूँ। धरती साडा घर है, जिवें कि यह लखा होर जीवों का है। जे असी इसकी रक्षा नहीं करांगे तो असी इसनू गुआ सकते हाँ, उदो असी बेघर होवांगे। जे असी इसकी रक्षा नहीं करांगे तो असी सारे जीव जंतुआ नाल मर जावांगे। जे असी मनुखी जाति जीव रूपां नूं सुरक्षित रखना चाहते हाँ तो सानू इस गल का यकीन होना चाहिए है कि जिस ग्रह से असी रहिंदे हाँ वह पूरी तरह सुरक्षित है। ग्रह तो प्राप्त धुप, हवा, पानी, वनस्पति वर्गे स्रोत धरती ते जीवन नूं स्थाई बनाते हैं। सानू धरती नूं प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ना ही तबाह करना चाहिए है। मनुष्य दीआं बहुत सारी गतिविधियां करके धरती का पतन हो रहा है। जंगलों की कटाई, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि वर्गिया वातावरण दीआं घटनावां साढ़े सामने हैं। मनुख द्वारा खुद तैयार कीतियां गैसा, जहरीली गैसा, बंब, बरूद आदि प्राकृतिक नूं प्रभावित कर रहे हैं। संसार नूं चंगा करो अते इसनूं इक बेहतर स्थान बनाओ। तुहाडे मेरे अते सारी मनुखी जाति लई असी ग्रीन हाउस गैस नूं भी घटा सकते हैं। असी वध तों वध रुख लगा के ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग नूं भी रोक सकते हैं। सानू वध तों वध रुख लगाने चाहिए हैं। असी प्रदूषण अते वातावरण की समस्या कारण, प्रदूषण अते वातावरण दे पतन कारण धरती ते जीवन मुश्किल हो रहा है। सानू प्रदूषण घट करना चाहिदा है, नहीं करना चाहिदा। साड़ी शुद्ध रही ना साड़ी धरती, शुद्ध रहा ना आसमान, वातावरण चंगी पर के ओजोन परत दी कीर्ति खान। धन्यवाद। नेक्स्ट लक्ष्मी कुमारी, क्लास 9, सेम स्कूल। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, अध्यापकगण, आज मैं आप सबको पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार आप सबके साथ साझे करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। पृथ्वी दिवस सबसे पहले 1970 में मनाया गया, तब से यह प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा और मनाया जाता है। 2020 में पृथ्वी दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमें पृथ्वी के संरक्षण के बारे में प्रत्येक वर्ष अपना योगदान देना चाहिए, अथवा
प्रत्येक वर्ष ही नहीं हमें हर रोज हर समय पृथ्वी का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऐसे कारक उपलब्ध हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे भूमि जिस पर मनुष्य की उपयोग की अत्यधिक चीज़ें उपलब्ध होती है, जैसे कि अनाज फल सब्जियां, जड़ी बूटियां आदि। इनमें सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य के लिए प्रकृति का आशीर्वाद की तरह होता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच के मधुर संबंध में बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोक्ता प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। मनुष्य पृथ्वी को कई तरह पेड़ों को काटकर कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, जैसे पेड़ों को काटने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है जो पृथ्वी के जीवन की रक्षा कवच है। जिसे मनुष्य पेड़ों को काटता है तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और ओजोन गैस में हमें वैज्ञानिकों ने बताया कि ओजोन गैस में कहीं पर छेद हो गया है। हमें प्रदूषण मुक्त विश्व बनाने के लिए अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए, और जो वनों को काटते जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। लोगों को बिजली का सीमित प्रयोग करना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बनाकर मत डालो मुझ पर भार। मेरे वृक्षों को काटकर मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार। श्रद्धा क्लास 9 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 टिब्बर मार्केट। मैं शेर विवेकी निर्णायक मंडल अध्यापकगण व मेरे प्यारे साथियों सादर वंदन। मैं श्रद्धा आज आपके समूह धरती माता की रक्षा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है, जिसका अर्थ है धरती ही हमारा परिवार है। वसुधा एव कुटुंबकम, यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड पर जीवन जीने का एकमात्र ग्रह है, इसलिए मानव का मुख्य उद्देश्य है कि वह पृथ्वी पर मौजूद हर चीज का सम्मान करे। धरती हमारी माता के सम्मान है, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और आज धरती पर जो कुछ भी है सब कुछ सीमित ही तो है। लोग अपने फायदे के लिए धरती माता को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि आने वाले समय में उनके ये फायदे बहुत नुकसानदायक साबित होंगे। हमारी धरती ने हमें जीने के लिए हर चीज दी है और बदले में हमसे कुछ नहीं लिया। हम क्यों भूल गए कि अगर धरती है तो हम है, धरती के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। धरती को सुरक्षित करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा घर है। यदि कोई अपने घर को ना बचाए तो वह बेघर हो जाता है। उसी प्रकार यदि समय पर मानव ने धरती को नहीं बचाया तो मानव जाति को विलोपन का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि धरती को कैसे बचाया जाए। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है ये तो हम सभी जानते हैं, और इन पर खत्म होने का संकट भी देखा जा चुका है। पर
वह समय अभी बहुत दूर है जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उससे पहले इन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं जो काफी आसान भी है। पहला, पानी को बचाए, पानी की बर्बादी ना करे, पानी को गंदा ना करे। दूसरा, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करे जिससे कि प्रदूषण कम होगा और हमें प्रदूषण पैदा करने वाले ईंधनों का इस्तेमाल भी कम करना होगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सके। तीसरा, धरती को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जंगलों को बचाया जाए और अधिक से अधिक पेड़ भी लगाए जाए। चौथा, विश्व भर में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। हम इसमें भाग लेकर लोगों को पृथ्वी के महत्व, संकट एवं संरक्षण के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम इन छोटे छोटे कदमों से धरती को सुरक्षित कर सकते हैं, मगर हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर इकट्ठे होकर कदम उठाने होंगे। हम धरती को माँ तो कहते हैं पर मानते नहीं। हमारी धरती माँ तो अपने फर्ज निभा रही है, निभा रही थी और निभाएगी, परंतु क्या हम अपने फर्ज निभा रहे हैं? तो क्यों ना आज प्रण करें कि हम अपनी धरती माँ को सुंदर, प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ बनाने की छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, जो पूरी हम ईमानदारी से करेंगे। तो आओ 3R, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल को अपनाए, धरती माँ को सुंदर स्वच्छ बनाए सबको। तो आज प्रण करें, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है, सबको आगे आना है, धरती को बचाना है। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो धरती को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद। नेहा, क्लास 9, सेम स्कूल। एंड नेक्स्ट, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर्स स्कूल, सेक्टर 44। प्लीज डायरेक्ट। नीरशी विवेकी न्याय मंडल, अध्यापक और मेरे प्यारे साथियों, सादर वंदन। मैं नेहा आज आपके समूह धरती माता की रक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। वसुदेव कुटुंबकम। सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। इसका अर्थ है कि धरती ही हमारा परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारे भगवान में जीवन जीने का एकमात्र ग्रह है। इसीलिए मनुष्य का उद्देश्य है कि वे पृथ्वी पर हर मौजूद वस्तु का सम्मान करें। इसके लिए हमें धरती माता की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखा जा सके। हमें धरती माता की सुरक्षा की पेड़ पौधों की रक्षा करके कर सकते हैं। हमें लगातार हो रही वनों के प्रयोग को रोक लगानी होगी। हमें प्रदूषण पैदा करने वाले ईंधनों का कम से कम इस्तेमाल करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सके। पृथ्वी को संकट से बचाने के लिए हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा ताकि हमें अशुद्ध हवा, वायु प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग को प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। संसार भर के लोगों को जागरूक फैलाने के लिए हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु क्या हम धरती माता की रक्षा कर पा रहे हैं? धरती माँ हमसे कुछ भी नहीं मांगती बल्कि हमें ही देती है। आज पर धरती माँ संकट में क्यों? इसके लिए सभी देशों की सरकारों को वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पृथ्वी बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों? नियंत्रित बढ़ते तापमान, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना, सुनामियों और सूखे के बढ़ते खतरे को आदि से पृथ्वी को बचाना अनिवार्य है। हमारी धरती माता की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य जीवन को अवसरों को कम कर रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवन पृथ्वी जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी तत्वों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। गलत मानवीय गतिविधियों ने जैसे जहरीला धुआं, रासायनिक कचरा और अत्यधिक शोर को जन्म दिया है। सरकार
जीवाश्म ईंधन को कम करना, पृथ्वी को बचाने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। फ्री आनियम रिड्यूस रियूज रिसाइकल हमारी अनमोल धरती को बचाने के प्रभावी साबित हो सकती है। वनीकरण और वृक्षारोपण के को बढ़ावा जंगलों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने पृथ्वी बचाओ, जीवन बचाओ और पर्यावरण बचाओ जैसे कई कदम उठाए हैं। इसके इस पृथ्वी के बिना पूरे ब्रह्मांड में जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमारी ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हमें वातावरण को अनुकूल गतिविधियों को अपनाकर पृथ्वी को बचाएं। धन्यवाद। अमृतपाल सिंह, क्लास 10, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 44। सब तो पहला मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। जिहड़े मेरे सामने जजिस बैठे ने उन्हां नूं बहुत निघी सत श्री अकाल। मैं अमृतपाल सिंह 10वीं जमात का विद्यार्थी हाँ। जिवें असीं सारे जाणदे हाँ कि साडे ब्रह्मांड विच सिर्फ धरती ही है जिस उत्ते जीवन की होंद है। असीं इस नूं धरती माँ कह के पुकारदे हाँ, पर की असीं इस नूं माँ का दर्जा दे रहे हाँ? जिवें एक माँ की छाती विच कैंसर फैल जाता है पर वह अपने बच्चे नूं दुध नहीं पिला सकती, इसी तरह साडी धरती माँ विच असीं खुद अपने कैंसर फैला रहे हाँ। जिवें असीं खेतां विच रसायनक खादां पा के उसकी उपज पूरी तरह खत्म कर दिती है, जिस करके वह अनाज बिल्कुल खराब आ रहा है अते वह साडे अंदर जा के भयानक खतरनाक बीमारियां दे रहा है। साडी धरती उत्ते बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जिस करके ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा फैल गई है अते साडे धरती की ओजोन लेयर विच छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, जिस कारण सूरज दियां परा बैंगणी किरणां सीधा इंसान ते पै रही हैं अते चमड़ी वर्गे बहुत खतरनाक रोग दे रही हैं। अजकल दे हॉस्पिटलां विच तुसी जाके देख सकते हो कि चमड़ी वाले रोग को खड़ना भी बहुत औखा हो जाता है, क्योंकि उन्हां तों ऐं लगता है कि सानूं उन्हां नूं छूण नाल भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ते असीं जे उन्हां नूं देख के सानूं इह समझ नहीं आ रही कि उन्हां नूं इह धरती नूं माँ कहण दे बावजूद उन्हां नूं धरती नूं नुकसान पहुँचाण ते उन्हां नूं इह सब हो रहा है, तो असीं इह सोच भी नहीं सकते कि असीं जदों नुकसान पहुँचा रहे हैं तो सानूं भी इह सब कुछ हो सकता है। जिवें अज मैं हुण कुछ फायदे दस रहा हाँ, जिवें असीं एसी कारां निजी वाहनां नूं छड्ड के साइकल नाल आना जाना कर सकते हाँ। एसी नाल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है अते सब तो ज़्यादा असीं एसी ही यूज़ करते हाँ। जिवें साडे कोल 3 R रीसाइकल रीयूज रिड्यूस दे हन, जिन्हां दा सानूं पालन करना चाहीदा है। सरकार ने यह दिन चुनिया है 22 अप्रैल, जिस दिन धरती दिवस मनाया जाता है अते यह दिन शुरू करन दा सिर्फ यही निजी फरमान है कि लोकां दे दिलां विच धरती प्रति प्रेम प्यार अते उत्सुकता जागे। सानू वध तों वध पेड़ लगाने चाहिए हन, क्योंकि अगर असीं पेड़ ना लगाए तो साह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अजकल तुसीं जाके देख सकते हो कि अद्धे पेशेंट अस्थमा दे हुंदे हन ते उन्हां कोल भी फिर किन्नियां दवाइयां लैणियां पै रहियां हन उन्हां नूं सारिआं नूं। इस करके जे असीं अस्थमा वर्गियां भी भयानक बीमारियां तों बचना चाहुंदे हां तां जिन्ने हो सके पेड़ लगाइए। मैं रुखां उत्ते 2-4 लाइनां गाणियां चाहुंदा हां। रुखां उत्ते रोसना वेखाई गाणियां, धरती नूं डुबणों बचाई हाणियां, धरती नूं डुबणों बचाई हाणियां। रुखां उत्ते रोसना वेखाई गाणियां, धरती नूं डुबणों बचाई हाणियां, धरती नूं डुबणों बचाई हाणियां। धन्यवाद। अच्छा गाना गाया आपने, एक बार और क्लैप। नेक्स्ट
लास्ट बट नॉट लीस्ट काजल क्लास 10 फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। अध्यापकगण, विनायक मंडल, वह मेरे प्रिय सहपाठी। मेरा नाम काजल है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आपके सामने पृथ्वी बचाओ के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी है जिस पे जीवन संभव है, इसलिए हमें पृथ्वी से जो कुछ भी मिलता है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। हमें पृथ्वी ने बहुत कुछ दिया है, हम पृथ्वी को अपनी माता कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में हमारी पीढ़ियों को दूषित वातावरण की कमी के कारण कोई मुश्किल ना आए। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही है जिस पे जीवन संभव है और केवल पृथ्वी ही है जिस पे जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी मिलता है। लेकिन हम इसी पृथ्वी को आजकल अपने कुछ लालच के कारण प्रदूषित करते जा रहे हैं। इसकी अनुकूल वातावरण की कमी के कारण बहुत से पेड़ पौधे, जंगली जानवर कम होते जा रहे हैं और इसके कारण सिर्फ मनुष्य है। इसलिए हमारी भारत सरकार ने इसको बचाने के लिए बहुत से अभियान चलाए हैं, जैसे पर्यावरण बचाओ पृथ्वी बचाओ पर्यावरण। लोगों के बीच में इन दोनों नारों को फैलाया गया है ताकि लोग पृथ्वी के लिए अपने आप को ज़्यादा समर्पित कर सके। इसलिए पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम अपनी पृथ्वी को कई तरीके से बचा सकते हैं और इसको बचाने की शुरुआत हम पानी बचाओ से कर सकते हैं। जैसे हमें जितने पानी की ज़रूरत है हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने आस पास के क्षेत्रों में साइकिल से जाना चाहिए। हमें 3R तरीके अर्थात रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज का पालन करना चाहिए। हमें आम बल्बों की जगह पर CFL बल्ब का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनकी अवधि ज़्यादा होती है और यह बिजली का केवल 1/3 भाग इस्तेमाल करते हैं। हमें समय समय पर अपने निजी वाहनों की मरम्मत करानी चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 अप्रैल को यह दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता पैदा हो और लोग इसके प्रति अपने आप को ज़्यादा समर्पित कर सके। पृथ्वी हमारी माता होती है, यह बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती, यह सिर्फ इतना चाहती है कि हम इसे साफ और स्वच्छ रख सके, लेकिन हम मानव इतना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस पृथ्वी में हमारी कमी के कारण बहुत से ओजोन लेयर में छोटे छोटे छेद हो गए हैं। पृथ्वी हमारी माँ समान होती है, हमें अपनी जैसे हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं हमें इसका भी सम्मान करना चाहिए और इसके प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद व प्रदूषित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। One private school is left for yesterday declamation competition. So we announce the student name. Serial number 18, Tanish, class 8, Shri Kulwant Rai Sarvitkari Vidya Mandir School. List. Please come on the stage. Tanish and Harshpreet Kaur. Harshpreet.
धरा नहीं होगी तो सब धरा रह जाएगा। परम आदरणीय निर्णायक मंडल एवं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरा नाम हर्षप्रीत है। मैं श्री कुलवंत राय सर्वितकारी विद्या मंदिर सेक्टर 43 बी में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रोटेक्टिंग मदर अर्थ। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम अपनी धरती को मदर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह धरती मैग्निफाइड टेंडर एवं रिमार्कबल है। यह धरती की वजह से ही हमारा जीवन संभव है और अगर यह धरती ना हो तो यहाँ पर जीना असंभव है। जिस धरा ने किया हमें सब कुछ, हमें भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह धरती ही केवल एकमात्र ग्रह है जहाँ पर सभी जीवन संभव है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और यहाँ पर हमें जो भी प्राप्त होता है उसको रखना चाहिए। और हम इस धरती की रक्षा पे वनों को ना काटकर प्राकृतिक सामाजिक चीज़ों और बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी धरती को बचाने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 में चलाया था और हमें भी अपनी धरती को बचाने के लिए कुछ प्रभावी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमें पानी केवल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है और हमें अपने निजी कार्यों को साझा करना चाहिए और पॉलीथीन का यूज़ ना कर पेपर बैग यूज़ करने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिसाइकल करनी चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पृथ्वी हमारी माता है जिसने हमें सब कुछ दिया, तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट तनिष, क्लास 8, सेम स्कूल। कोई बात नहीं, आ जाइए, सब आपके फ्रेंड्स ही हैं। आ जाओ बच्चे, कोई बात नहीं, जितना याद है उतना ही बोल दो, आ जाओ।